ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गंदी नफरत की राजनीति है। बीजेपी ये नहीं समझती कि उनकी इस नफरत की राजनीति को लोगों ने हरा दिया है। लोग आपसे सहमत नहीं हैं, लोग अमन चैन शांति चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्र प्रवक्ता सुप्रिया सनेत जी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, 23 जुलाई को बजट पेश होने वाला है, कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को कैसे देखती है? बजट पेश होगा 23 तारीख को, और हमारा मानना है कि बजट की प्राथमिकता बेरोज़गारी को कम करना, महंगाई को कम करना, आर्थिक असमानताओं को कम करना, लोगों के ऊपर जो ऋण का बोझ है उसको घटाना, जो लोग बचत अपनी खर्चा करने को मजबूर हैं उनका वो करना, ये सब होना चाहिए। बजट की प्राथमिकता रोज़गार सृजन होनी चाहिए। अगर प्राथमिकता ये नहीं है तो बजट पूरी तरह से फेल है। मैम, इससे हटके एक सवाल लेना चाहूँगा। जिस तरह से यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रियों के रूट्स पर नेम प्लेट लगाने की जो है आदेश दिए गए, इस चीज़ को पर क्या कहें? ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गंदी नफरत की राजनीति है। बीजेपी ये नहीं समझती कि उनकी इस नफरत की राजनीति को लोगों ने हरा दिया है। लोग आपसे सहमत नहीं हैं, लोग अमन चैन शांति चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी बात हो, उनके मुद्दों की बात हो। ये सब मुद्दों से भटकाने की बात है, और ये वही जाहिल लोग हैं जो अयोध्या हारने के बाद हिंदुओं का भी बहिष्कार कर रहे थे, अब मुसलमान के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सनेत से। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह।